खुद आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, वो भी प्रभास के बारे में। प्रभास की आने वाली फिल्म राधे श्याम का नया पोस्टर रिलीज किया गया है। इस पोस्टर में प्रभास डैपर कूल लग रहे हैं और विंटेज गाड़ियां दिख रही है। और ये फोटोशूट यानी ये पोस्टर शूट किया गया है इटली पे। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले जॉर्जिया में शूटिंग हुई थी लॉकडाउन के बाद, फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पूरी टीम इटली गई और वहाँ का एक फर्स्ट लुक है। इस फिल्म में नाम जो है प्रभास का वो विक्रमादित्य है। इस फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े नजर आने वाली है और इस फिल्म को राजेश कुमार मिश्रा को जिस तरह से डायरेक्टर है वो डायरेक्ट कर रहे हैं, माफ कीजिए अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो, और राजकृष्ण कुमार माफ कीजिए। हाँ, अब यहाँ पर ये चीज़ है कि फिल्म का बजट 200 करोड़ के ऊपर है और ये हिस्टोरिक फिल्म है। 20वीं से 21वीं शताब्दी के बीच वाली फिल्म है, यानी कि ये प्यार मोहब्बत की स्टोरी आज के है ना डेली रोजमर्रा की लाइफ पे बेस नहीं है, कम से कम 80 90 या फिर 100 साल पुरानी स्टोरी है। तो बहुत अलग तरह का फील लेकर आएगी ये फिल्म, मुझे ऐसा लग रहा है। और जिस तरह से आप देखोगे प्रभास को, वो विंटेज लुक में नजर आ रहे हैं जो काफी अच्छा लग रहा है उन पर। और उम्मीद यही है कि ये फिल्म जब भी आएगी थिएटर्स में धमाल करेगी और मैं चाहता हूँ ये फिल्म अगले साल कुछ अप्रैल मई के बीच में जरूर आ जाए। और साहो के बाद ये उनकी थर्ड बिगेस्ट फिल्म है, क्योंकि उसके पहले बाहुबली सीरीज वो कर चुके हैं।